गुड मॉर्निंग क्लास फोर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर हैप्पी एंड फाइन. आई वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल. बच्चों, हमने पाठ किया था 13 शब्द भंडार. इसमें शब्द भंडार में अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्से बने होते हैं. तो हमने पर्यायवाची शब्द किया था. पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द. समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द. और इसका उल्टा होता है विलोम शब्द. आज हम करेंगे विलोम शब्द. विलोम शब्द क्या होता है? उल्टे अर्थ देने वाले शब्द. पर्यायवाची शब्द तो समान अर्थ देने वाले, लेकिन विलोम शब्द उल्टे अर्थ देने वाले शब्द. देखिए, जैसे रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए. रेखांकित, जिनको अंडरलाइन कहते हो आप इंग्लिश में, रेखांकित शब्दों के विलोम, विलोम यानी उल्टे शब्द. मेहनत करने पर कठिन कार्य भी डैश हो जाता है. कठिन सर, उल्टा अर्थ हो गया ना, है ना? कठिन सरल. कसरत करने से हमारा अस्वस्थ शरीर, अस्वस्थ क्या होता है? जो सही ना हो, ठीक ना हो. ठीक है, कभी हमें थोड़ा सा बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, खांसी हो गया, कुछ भी हो गया हमारे शरीर के, तो वो शरीर क्या कहलाता है? अस्वस्थ. ठीक है, रोगी. तो कसरत करने से हमारा अस्वस्थ शरीर भी डैश हो जाता है. अस्वस्थ जिसमें बीमारियां हो थोड़ी बहुत, कोई ना कोई. तो कसरत, एक्सरसाइज जिसको बोलते हो, व्यायाम करने से हमारा अस्वस्थ शरीर भी स्वस्थ हो जाता है. अस्वस्थ का विलोम स्वस्थ. मदन तीव्र बुद्धि, तीव्र तेज, तेज तीव्र बुद्धि. और राकेश डैश बुद्धि बालक है. तीव्र का विलोम मंद. रेखा अच्छी वस्तुएं खरीदते समय महंगा डैश नहीं देखती. महंगा का विलोम सस्ता. तो मैंने आपको बताया कि विलोम शब्द क्या होते हैं? विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को, विरोधी अर्थ. या इसको आप ये वाला करो, ये इजी है आपके लिए. उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं. उल्टा अर्थ बताने वाले. तो ये कुछ विलोम शब्द यहाँ दिए हुए हैं. इनमें से मैंने आपको 15 विलोम शब्द करवाने हैं, 15. तो वो मैंने यहाँ इस नोटबुक में लिख लिए हैं. आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, मैं पीडीएफ भेजूंगी. जय पराजय, जय पराजय. जय क्या होता है? जीत. पराजय हार. लेकिन ये नहीं है कि जय का हम यहाँ हार लिख देंगे, नहीं. जय शब्द दिया है तो उसके लिए पराजय लिखना. हार दिया, जीत दिया होता तो हार लिखते. जय पराजय, जय आ गया. पर आपरा जय. मित्र शत्रु, मित्र शत्रु. मित्र क्या होता है? दोस्त. शत्रु होता है दुश्मन. यहाँ दोस्त होता है तो यहाँ दुश्मन लिखते, लेकिन मित्र दिया है तो हम शत्रु लिखेंगे. ये जरूरी है. ठीक है, अंधकार प्रकाश. अंधकार का आप रोशनी नहीं लिखोगे, उजाला नहीं लिखोगे, अंधकार प्रकाश लिखोगे. अंधकार आया शब्द तो प्रकाश लिखोगे. उचित अनुचित. उचित क्या होता है? सही. अनुचित होता है गलत. सही आता तो गलत लिखते, लेकिन उचित शब्द आया है तो आप उसके लिए अनुचित लिखोगे. उन्नति अवनति. उन्नति होता है तरक्की, अवनति होता है तरक्की न होना, जो रुक जाती है हमारी तरक्की. उन्नति आया तो अवनति लिखोगे. उन्नति अवनति. दुर्लभ सुलभ. दुर्लभ होता है कठिन, सुलभ इजी मतलब सरल. अब इधर हमने क्या किया था? देखो, कठिन शब्द आया था तो हमने सरल लिखा था ना, लेकिन यहां दुर्लभ शब्द आया तो हम सरल नहीं लिखेंगे, सुलभ लिखेंगे. सुलभ, दुर्लभ के साथ सुलभ. घृणा प्रेम. घृणा क्या होता है? नफरत. प्रेम प्यार.
यहाँ अगर नफरत आता तो हम यहाँ लिखते प्यार, लेकिन घृणा शब्द आया तो हम लिखेंगे प्रेम। उपकार अपकार, उपकार होता है भलाई, अपकार बुराई, लेकिन उपकार के साथ हम अपकार लिखेंगे। जीवन मरण, जीवन मरण। पवित्र अपवित्र, पवित्र अपवित्र। स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक। आदि अंत, आदि होता है शुरू, अंत होता है खत्म, लेकिन आदि के साथ हम अंत ही लिखेंगे। उदय अस्त, उदय होता है निकलना, अस्त होता है छिपना। अमृत विष, विष क्या होता है जहर, अमृत होता है सुधा, मीठी चीज और जहर हो क्या होता है कड़वी चीज होती है। उत्थान पतन, वही चीज, उन्नति अवनति, उत्थान पतन। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं, ये मैंने आपको करवा ही दिया। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब इन्होंने लिखा है गुण और उतार शब्दों के विलोम बताइए। गुण का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या है, अवगुण। गुण अवगुण, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। प्रश्न दो है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक। अमृत विष, अमृत विष। उन्नति अवनति, ये हमारे पहले आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ हार आया तो हम जीत लिखेंगे, वहां जय आया था तो पराजय, लेकिन यहाँ हार आया तो जीत। आदान प्रदान, आदान होता है लेना, प्रदान होता है देना। आदि अंत। सुगंध, सुगंध क्या होता है खुशबू, दुर्गंध बदबू। यहाँ खुशबू लिखा होता तो हम यहाँ लिखते बदबू, लेकिन सुगंध लिखा है तो दुर्गंध, गंध वही का वही, सु की जगह क्या आ जाएगा दुर। पाप पुण्य, पाप पुण्य। प्रशंसा निंदा, प्रशंसा वही, अच्छाई और निंदा बुराई, ठीक है। मित्र शत्रु। प्रश्न तीन है, नीचे दिए गए रंगीन छपे शब्दों को पढ़िए व रिक्त स्थानों में उनके विलोम शब्द लिखिए। रंगीन क्या है, प्रेम, हमें प्रेम से रहना चाहिए डैश से नहीं, प्रेम का विलोम घृणा। सदा सत्य बोलो डैश नहीं, सत्य का विलोम झूठ। अगर जन्म है तो डैश भी है मृत्यु भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। हमें उचित और डैश का भेद पहचानना चाहिए, उचित का विलोम अनुचित। दिन में प्रकाश और रात में डैश होता है, प्रकाश का विलोम अंधकार। प्रश्न चार है, सही विलोम शब्द पर, सही और गलत विलोम शब्द पर गलत का निशान लगाइए। अब ये देखो लाभ हानि, ये सही है लाभ हानि, ठीक है। मित्र दोस्त, ये गलत है, ये तो पर्यायवाची है, आपस में समान अर्थ वाले है ना, तो ये गलत है। एक अनेक, ये भी सही है। हार जीत, ये भी सही है। प्रश्न जवाब, अब है तो जवाब प्रश्न का होता है, लेकिन ये गलत क्यों किया है, क्योंकि यहाँ प्रश्न का उत्तर, अगर यहाँ उत्तर लिखा होता तो ये सही होता। आरंभ शुरू, ये भी समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो ये भी गलत है। साथ ही साथ हम करेंगे कहानी लेखन। अभी हमने किया था पत्र लेखन, सॉरी विलोम शब्द, और अब कहानी। कहानी तो सबको अच्छी लगती है ना, कहानियाँ अच्छी लगती है ना आप लोगों को, तो कहानी कैसे लिखते। कहानी हमेशा जो है बिल्कुल सरल लिखनी चाहिए, सरल भाषा में, जिसे पढ़ते हुए भी आसानी हो और मजा भी आए पढ़ने में, ठीक है। और कहानी जो है हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए, भूतकाल मतलब जो बात बीत चुकी है उसमें लिखनी चाहिए कहानी हमेशा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आज हम करेंगे कहानी मेहनत का फल, मेहनत परिश्रम। तो मेहनत का क्या फल होता है, देखिए पेज नंबर 109 पे है ये, 109 पे। एक कौआ था, एक कौआ था, वह
भूखा था, मतलब उसको भूख लगी थी। एक कौआ था, वह भूखा था। अब भूख लगेगी तो भोजन की खोज करेगा, तलाश करेगा। भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसको भूख लगी थी, फिर भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, कभी इधर कभी उधर। फिर क्या हुआ, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। जब वो भोजन के लिए ढूंढ रहा था, भोजन को घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था, तो उसको अंत में क्या हुआ, एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह टुकड़े को लेकर जाल डाल पर जा बैठा। ये देखिए, ये बैठा ना वृक्ष की डाल पर। उस रोटी के टुकड़े को लेकर वह पेड़ की डाल पर जा बैठा। तभी एक लोमड़ी आ गई, ये देखिए, तभी एक लोमड़ी वहां आई। आपको पता है ना, लोमड़ियां तो बहुत चालाक होती हैं। तभी एक लोमड़ी वहां आई, वह बोली, कोए भाई। लोमड़ी कोए को क्या बोलती है, भाई। कोए भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, गाना गाते हो। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। उसको बहला फुसला रही है ना, ताकि वो गाना गाए और उसके मुंह से रोटी गिरे और मैं खा जाऊं। आज मैं बहुत उदास हूं। कौआ क्या कहता है, आज मैं बहुत उदास हूं, मुझे भी कुछ सॉरी लोमड़ी कहती है कि आज मैं बहुत उदास हूं, मुझे भी कुछ गाकर सुनाओ। कोए भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। आज मैं बहुत उदास हूं, मुझे भी कुछ गाकर सुनाओ। कोए ने पहले तो इधर उधर देखा, कुछ सोचा, फिर अपने पंजे में रोटी का टुकड़ा दबाकर बोला। उसने इधर उधर देखा और फिर दिमाग लगाया। फिर उसने क्या किया, अपने पंजे में रोटी का टुकड़ा दबाकर बोला, लोमड़ी बहन। उसने बोला था ना कोए भाई, तो उसने बोला लोमड़ी बहन, मैंने किसी से सुना है कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, मेहनत का फल मीठा होता है ना। तुम भी मेहनत किया करो। कौआ जो है लोमड़ी को कहता है, तुम भी मेहनत किया करो, क्योंकि कौए को भी मेहनत करने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद ही रोटी मिली थी ना, आसानी से तो नहीं मिली थी। तो तुम भी मेहनत किया करो, अब तुम्हारी ये तरकीब सबकी समझ में आ गई है। कौआ उसको क्या कहता है, जो ये तरकीब है तुम्हारा, ये जो उपाय है, योजना है, वो जो है अब तुम्हारी ये तरकीब, तुम्हारी ये योजना सबकी समझ में आ गई है। कौआ रोटी तोड़कर खाने लगा। उसने, कौए ने उसको ये जवाब दिया और उसके बाद अपनी रोटी तोड़कर खाने लगा। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर देखती रह गई। अपना सा मुंह लेकर मतलब मायूस हो गई वो। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर देखती रह गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा कहानी में शिक्षा लिखनी बहुत जरूरी होती है। शिक्षा, समझदार लोग किसी की बातों में नहीं आते। तो कौआ समझदार था ना, उसने अपनी समझदारी दिखाई और लोमड़ी की बातों में नहीं आया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, समझदार लोग किसी की बातों में नहीं आते। ठीक है, ये भी शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, ये शिक्षा भी मिलती है। तो कैसी लगी बच्चों कहानी, आपको अच्छी लगी ना। आपने भी रीड करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है, लर्न भी करना है इसको। बच्चों एक दिन का गैप आ जाता है ना, तो इसलिए अब पेपर भी आने वाले हैं, हमने खूब ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और अपनी बुक, नोटबुक आप अपना पीडीएफ बना के भेज सकते हो, मैं उसमें से मिस्टेक्स निकाल दूंगी आपकी। ओके, टेक केयर।